Hello friends, I'm Ankita. Welcome in Reasoning Mania. I hope आप सब घर पर बैठकर अच्छे से अपनी स्टडीज़ कर रहे होंगे और घर पर सब सेफ होंगे. प्लीज़ आप अपने घर पर ही रहिए. जैसा कि आप सबको पता है, अभी बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस फैल चुका है इंडिया में. सो प्लीज़ 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 आप अपने घर पर रहिए और सेफ रहिए और रीजनिंग मेनिया से अपनी रीजनिंग की स्टडी कंटिन्यू रखिए. आज जो है हम ब्लड रिलेशन में कोडेड के पैटर्न पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. जैसा कि हमने पहले भी कोडेड पैटर्न के क्वेश्चंस करे थे, हमने सिलॉग में भी कोडेड पैटर्न करा था और इनइक्वलिटीज़ में भी कोडेड पैटर्न करा है, और जो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस था उसमें भी जो लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड कोडेड के क्वेश्चंस आते हैं वो सब मैंने आपको मेरे चैनल पर कराए हैं. अगर आपने मेरे वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को देखिए, क्योंकि अपकमिंग एग्ज़ाम में आजकल क्वेश्चन पैटर्न उसी पर बेस्ड आ रहा है. सारे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. सो प्लीज़ आप उन वीडियोज़ को देखिए. तो हम हमारा आज का टॉपिक और आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें वो बोल रहा है ए प्लस बी मीन्स ए इज़ ब्रदर ऑफ बी. अब जो कोडेड के क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कैसे करना होता है पहले वो सीखिए आप, ठीक है. आपको अब बताना है, अब इसमें आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करके रखना होता है, जिसे प्लस साइन है. अब ठीक है, प्लस साइन है वो हमें क्या शो कर रहा है, ठीक है. मल्टीप्लाई का साइन है वो क्या शो कर रहा है, और जो डिवाइड का साइन है, जो डिवाइड का साइन है वो क्या शो कर रहा है, वो आप एक इधर साइड में डायग्राम बना लो, जिससे फिर आप जो क्वेश्चंस होंगे वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ये शॉर्ट ट्रिक है जिससे आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे. अब देखते हैं हम, जैसे प्लस का मीन्स है वो क्या बोल रहा है, ए इज़ ब्रदर ऑफ बी. अब ब्रदर है तो हम उसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से डिनोट करते हैं. जो फर्स्ट वाला है वो ब्रदर है, उसका जेंडर हमें पता है, तो हम कैसे डिनोट करेंगे, जो मेल होता है उसको हम प्लस से डिनोट करते हैं. तो ये हमने प्लस से डिनोट किया और इधर एक लाइन कर दी और इधर सर्कल कर दिया. मीन्स इसका मीन्स बताती हूँ हमने ऐसा क्यों करा है, ठीक है. मीन्स क्या है, जो ये सर्कल है उसका ये क्या है, ब्रदर है, इससे ये शो हो रहा है, ठीक है. ये आपको क्लियर हुआ. आगे अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन का क्या मीन्स है. ए मल्टीप्लिकेशन बी मीन्स है ए इज़ फादर ऑफ बी. मीन्स जो ए है वो है बी का फादर है, यानी ए का जेंडर हमें पता है. जो ए है वो कौन है, फादर है बी का. यहाँ कुछ, यहाँ बी दे रखा है, नीचे कुछ और भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है. तो इसलिए हम उसको सर्कल से डिनोट कर रहे हैं ताकि हम उसको ईजिली डिनोट कर सकें, आगे हम यूज़ ले सकें. नेक्स्ट है हमारा डिवाइड का साइन. यहाँ मैं लिखती हूँ डिवाइड. अब इसका मीन्स क्या है, ए इज़ मदर ऑफ बी, मतलब जो ए है वो माँ है किसकी, बी की, ठीक है. मतलब जो भी फर्स्ट पर्सन होगा वो क्या है, मदर होगी, फीमेल होगी, ठीक है. अब आपको क्या है, जो तीन साइन दे रखे थे प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड, उनके आपने यहाँ पर क्या कर दिए, मीन्स लिख दिए, ठीक है. अब आपको क्वेश्चन की तरफ चलना है. आपका क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मीन्स जी इज़ द सन ऑफ एच. अब हमें क्या पता लग रहा है, इसका हम डायग्राम बनाए तो जी इज़ सन ऑफ एच, ठीक है. मतलब हमें यहाँ पर जी का जेंडर पता है, जी कौन है, मेल है, और वो क्या है, एच का सन है. इतनी बात क्लियर है आप सबको, ठीक है. अब क्या करना होता है, अब ये क्या है, हमें चार ऑप्शन दिए हैं. अब एक होता है लेंथी मेथड और एक शॉर्टकट होता है. पहले मैं लेंथी मेथड से करवाती हूँ, फिर आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊँगी, जो आपको एग्ज़ाम में शॉर्ट ट्रिक से ही करना है. आपको एग्ज़ाम में लेंथी मेथड का यूज़ नहीं करना है, वो मैं आपको एक बार सॉल्व करने के लिए बता रही हूँ. एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है तो आपको वहाँ पर क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक का यूज़ लेके जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ठीक है. आपको ये चीज़ पता लग गई, ये चीज़ आपको पता लग गई कि हमें ये आंसर निकालना है, ठीक है. इन सब से मैं इसको रब कर देती हूँ और मैं इसको यहाँ ऊपर बना देती हूँ, ठीक है. जी जो है वो सन है किसका, सॉरी, एच का. एक वन सेकेंड, यहाँ लिखती हूँ मैं. जी जो है वो क्या है, सन है एच का, ठीक है. ये क्लियर है. अब कैसा होगा कि अगर आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं आती है तो आप क्या करोगे, पहले ऑप्शन ए को सॉल्व करोगे,
फिर बी को करोगे, सी को करोगे, डी को करोगे। ठीक है, मैं एक एक वन बाय वन सॉल्व करना बताती हूँ कि आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फर्स्ट आप देखिए, एच और आई के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या पता लग रहा है, एच जो है वो क्या है, फादर है आई का। अगेन आई मल्टीप्लिकेशन जी मीन्स आई भी क्या है, फादर है जी का। ये कैसे पता लग रहा है, हमने यहाँ शॉर्टकट में लिख दिया है इसलिए हमें इजीली पता लग रहा है। ठीक है, अब आप देखिए, जी इज सन ऑफ, जी का यहाँ हमें जेंडर पता लग रहा है, यहाँ तो हमें जी का जेंडर ही नहीं पता, तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मीन्स ए जो है वो हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, बी की तरफ चलते हैं। अब हम बी बोल रहा है एच प्लस जी, प्लस क्या है, ब्रदर, मतलब एच जो है वो ब्रदर है जी का। नेक्स्ट बोल रहा है जी मल्टीप्लाई आई, मतलब जी जो है वो फादर है आई का। अब इसमें जी का जेंडर तो हमें पता लगा कि वो मेल है, बट जी सन थोड़ी ना है एच का, वो तो कौन है, जी तो ब्रदर हुआ। यहाँ पर इन दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है, ब्रदर का, और हमें क्या चाहिए, सन का रिलेशन। मीन्स जो बी है वो भी हमारा गलत हो गया। अब हम सी की तरफ चलते हैं। सी में क्या बोल रहा है, एच डिवाइड जे, एच मीन्स एच जो है वो मदर है जी की। आपका यहीं पर ही पता लग गया आपको सॉल्व करते ही, हमें क्या करना है पता, अच्छा ठीक है, यहाँ पर हमें भी नहीं पता लगा है, सॉरी। आगे हम देखते हैं, जी डिवाइड आई मीन्स जी इज़ मदर ऑफ आई। यहाँ हमें क्लियर हो गया जी का जेंडर क्या आ गया, फीमेल, और हमें क्या चाहिए था, मेल, मीन्स सी भी हमारा गलत हो गया। अब हम डी को चेक करते हैं। डी में बोल रहा है एच मल्टीप्लाई जे, मतलब एच फादर है जी का। यहाँ से आपको क्लियर हुआ एच फादर आ रहा है, अभी भी हमें जी का नहीं पता है, आगे सॉल्व करना पड़ेगा। जी प्लस आई, जी इज़ ब्रदर ऑफ आई। अब यहाँ से हमें फुल क्लियर हो गया कि जी जो है मेल आ रहा है और क्या है, वो सन है एच का। ठीक है, तो जो ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था वो क्लियर हो गया यहाँ से। ठीक है, मीन्स जो डी है वो हमारा राइट आंसर हो गया। बट अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो एग्ज़ाम में आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है ये क्वेश्चंस। आपको एग्ज़ाम में सॉल्व करना है शॉर्ट ट्रिक से, जो मैं अभी आपको बताती हूँ कि वो शॉर्ट ट्रिक क्या है, जिससे आप इजीली क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो और आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके नहीं देखना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, देखते हैं अब हम। फर्स्ट जो ऑप्शन है उसको देखिए। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, एच मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई जी। ठीक है, ये बोल रहा है। अब देखिए जी सबसे लास्ट में आ रहा है, तो अब यहाँ देखते ही पता लग रहा है जी के आगे जब कोई सिंबल नहीं दे रखा है तो हमें जी का क्या है, जेंडर पता ही नहीं लगेगा। मींस ए तो वैसे भी हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, अब सेकंड देखिए, सेकंड में बोल रहा है जी मल्टीप्लाई आई, जी मल्टीप्लाई आई मींस जी क्या है, जी को अगर हम बनाएंगे तो जी प्लस और आई ऐसे आएगा। मींस ये हमारा हो सकता है क्योंकि हमें यहाँ पर जी का जेंडर भी पता है, मेल आ रहा है। ठीक है, मींस बी हमारा ऑप्शन हो सकता है, हम इसको ले सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगर हम सी की तरफ देखते हैं तो जी डिवाइड आई, जिसमें क्या आ रहा है, जी डिवाइड आई में क्या होता है, जी इज़ मदर ऑफ आई। इससे क्या पता लग रहा है, जी एक फीमेल है और जी जो हमारा आंसर है उसमें क्या है, जी तो एक मेल आ रहा है। मींस इससे हमें पता लगा कि सी भी जो है वो हमारा राइट आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपको पता लगा। अब आप फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, मतलब आपने दो जो ऑप्शन थे वो तो आपने ऐसे ही एलिमिनेट कर दिए, फर्स्ट और थर्ड, कि ये दोनों तो आपका हो ही नहीं सकता। अब आपको सॉल्व कौन से करने पड़ेंगे, ओनली बी, सॉरी, मतलब आपको सॉल्व कौन से करने पड़ेंगे, दो, एक तो बी सॉल्व करना पड़ेगा और एक डी, जिससे आप इजीली आंसर निकाल सकते हैं। बी हम पहले सॉल्व कर चुके हैं, मैं एक बार डी और सॉल्व करके बताती हूँ कि डी हमारा राइट आंसर कैसे आ रहा है। ठीक है, बोल रहा है एच मल्टीप्लाई जी मीन्स यहाँ से देखिए, एच जो फर्स्ट वाला है वो कौन है, फादर है जी का। ठीक है, आगे बोल रहा है जी प्लस आई मीन्स जी जो है वो ब्रदर है आई का, तो इससे आपको पता लग गया जो जी है वो क्या है, एच का सन है, तो डी जो है वो हमारा राइट आंसर आएगा यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कोडेड क्वेश्चंस ब्लड रिलेशन में कैसे सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, आगे हम और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको इजीली और अच्छे से समझ आ सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। इसमें बोल रहा है इफ़ ए
plus b means, if a plus b means a is brother of b, इसमें भी आपको यही करना है. प्लस का क्या मीन्स आ रहा है, प्लस का क्या मीन्स आ रहा है, मतलब जो फर्स्ट वाला है वो ब्रदर होगा सेकंड वाले का, ठीक है. और माइनस का मीन्स क्या आ रहा है यहाँ पर, ए इज़ सिस्टर ऑफ बी, जो फर्स्ट वाला है वो फीमेल होगी सेकंड वाले की, सिस्टर होगी सेकंड वाले की. मल्टीप्लिकेशन का मीन्स है ए इज़ फादर ऑफ बी. मल्टीप्लिकेशन का क्या मीन्स है, जो फर्स्ट वाला है वो फादर है सेकंड वाले का, ठीक है. आपने इस कोडेड फॉर्म को ये तो सॉल्व कर दिया. आगे अब वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स दैट सी इज़ द सन ऑफ एम, ठीक है. अब आपको शॉर्ट मेथड से सॉल्व करना है, आप लेंथी मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे. आप प्रैक्टिस करिए शॉर्ट जो मेथड है उसे सॉल्व करने की, तो आप एग्ज़ाम में इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब आप देखिए इसका अगर हम डायग्राम बनावें तो क्या बनेगा, सी इज़ द सन ऑफ एम, सी इज़ द सन ऑफ एम, ये डायग्राम बनेगा. मतलब सी का हमें क्या है, जेंडर पता है, मेल होना चाहिए. अगर अब हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट देखते हैं ए ऑप्शन, केवल पहले हमें सी का देख लेना है कि किस किस से हम देख सकते हैं, ठीक है. यहाँ अगर हम देखें तो सी प्लस एफ आ रहा है, फर्स्ट में क्या है, सी प्लस एफ है. सी प्लस का मीन्स क्या है, सी इज़ ब्रदर ऑफ एफ, यानी ए आंसर हो सकता है. सेकंड देखिए यहाँ पर भी सी प्लस एन आ रहा है, यानी सी ब्रदर है एन का, ये भी आंसर हो सकता है. अगर हम सी ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन में क्या आ रहा है, सी सबसे लास्ट में आ रहा है, तो हम इसमें क्या, आप डिनोट ही नहीं कर सकते. सी का जेंडर आपको पता ही नहीं होगा क्योंकि इसके आगे कोई सिंबल नहीं दिया है, तो इसका आप जेंडर पता नहीं कर सकते, तो इससे आपका राइट आंसर नहीं निकलेगा. तो जो सी है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है. और डी है उसमें भी क्या आ रहा है, सी प्लस एफ, मतलब सी इज़ ब्रदर ऑफ एफ, तो आप ये भी निकाल सकते हो, ठीक है. अब हमें तीनों को सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि किससे हमारा राइट आंसर आ रहा है. अब हम फर्स्ट को लेके चलते हैं, ठीक है. फर्स्ट हमने देखा एम माइनस एन, एम माइनस एन का क्या मीन्स था, जो एम है वो सिस्टर है एन की, ठीक है. आगे है एन मल्टीप्लाई सी, जो इस मल्टीप्लाई का क्या मीन्स है, यानी फादर है, एन फादर है सी का, यहाँ तक हो गया. सी प्लस एफ मतलब सी जो है वो ब्रदर है एफ का, ठीक है. अब आप देखिए यहाँ से पता लग रहा है कि सी सन ऑफ एम, एम सी क्या रिलेशन आ रहा है इन दोनों में, जो फादर है वो तो एन है और जो उसकी सिस्टर है, यानी ये तो उसकी कौन हुई, आंट हुई. तो यहाँ तो रिलेशन निकल ही नहीं रहा, उसका सन तो हो ही नहीं सकता. मीन्स ए जो है वो हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है. आगे हम बी ऑप्शन पर चलते हैं, फर्स्ट जो है वो पता लग गया हमारा फर्स्ट राइट आंसर नहीं हो सकता. बी ऑप्शन पर चलते हैं, एफ माइनस सी, माइनस का मीन्स क्या है, एफ इज़ सिस्टर ऑफ सी. आगे बोल रहा है सी प्लस एन, यानी सी जो है फादर है एन का, ठीक है. एन मल्टीप्लाई एम, मल्टीप्लाई मीन्स भी फादर, सॉरी प्लस का मीन्स था यहाँ पर. देखिए एफ माइनस सी का मीन्स तो क्या, सिस्टर था, ठीक है. प्लस का मीन्स ब्रदर है, सॉरी सी इज ब्रदर ऑफ एन. आगे बोल रहा है एन क्रॉस एम, यानी एन जो है वो फादर है एम का. अब यहाँ पर भी कोई रिलेशन पता नहीं लग रहा क्योंकि एम जो है वो तो क्या है इसका, और एम का हमें जेंडर भी नहीं पता. मींस यहाँ भी रिलेशन एस्टेब्लिश नहीं हो रहा, तो मींस बी जो है वो भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा. अब लास्ट ऑप्शन आपके पास में क्या बचा है, डी. तो डी आपका राइट आंसर होगा. मैं इसको सॉल्व करके बताती हूँ कि डी आपका राइट आंसर कैसे है, ठीक है. सॉल्व करते हैं हम, एम क्रॉस एन दिया है, एम क्रॉस का मीन्स क्या है, फादर है, यानी एम फादर है एन का. फिर एन माइनस सी दिया है, एन माइनस मतलब क्या है, सिस्टर, तो एन सिस्टर है सी की. फिर सी प्लस एफ, प्लस मीन्स ब्रदर, यानी सी ब्रदर है एफ का. मीन्स ये तीनों जो हैं वो ब्रदर सिस्टर के रिलेशन है, और एम कौन है, उसके फादर है, ठीक है, तीनों के फादर हुए. तो यहाँ से हमारा जो रिलेशन था कि सी इज़ द सन ऑफ एम वो एस्टैब्लिश हो गया, ठीक है. यहाँ से पता लग रहा है सी जो है वो क्या है, एम का सन है. तो यहाँ से क्लियर हुआ, मींस जो डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है. समझ आया होगा, अगर आपको नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप रिवाइंड करिए इसको एक बार वापस से, और फिर वापस देखिए तो आपको अच्छे से क्लियर हो सकेगा. आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. हमारे इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, डायरेक्शंस दी है, ईच ऑफ दीज क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. परसेंटेज है एम परसेंट एन,
एम परसेंट का मीन्स क्या है, एम इज सन ऑफ एन, जो फर्स्ट वाला है वो सन है किसका, सेकंड वाले का। एम एट द रेट, एट द रेट का क्या मीन्स है, एम इज द सिस्टर ऑफ एन, जो फर्स्ट वाला है सॉरी वो सिस्टर है बाद वाले की, सिस्टर को फीमेल को किससे, माइनस से डिनोट करते हैं हम। आगे है डॉलर, डॉलर का मीन्स है एम इज़ फादर ऑफ एन, जो फर्स्ट है वो फादर है सेकंड वाले का, ठीक है। ये आपने कोडेड फॉर्म थी उसको एक आपने अपनी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इजीली सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द रिलेशन दैट सी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई। इसका मैं डायग्राम बनाती हूँ। सी इज द ग्रैंड डॉटर है, फीमेल है, ग्रैंड डॉटर मीन्स दादी, ग्रैंड डॉटर मतलब सॉरी ग्रैंड डॉटर मीन्स पोती, या मतलब मैटरनल भी हो सकते हैं और वो पैटर्नल भी हो सकते हैं। हमें क्वेश्चन में नहीं दिया है कि वो कौन है, ठीक है, बट हमें इतना पता है कि वो सेकंड जनरेशन में, ये तो फर्स्ट जनरेशन, ये सेकंड, और वो थर्ड जनरेशन में आएगी ई, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको, यहाँ ये हमें आंसर निकालना है। अब हमें पता है सी है, उसका क्या है, वो फीमेल है। अब देखिए आप ऑप्शन बी देखिए, ऑप्शन बी में सी सबसे लास्ट में आ रहा है, तो इसका हमें जेंडर नहीं पता, तो मींस ये वाला रॉन्ग हो गया। सेम डी में देखिए, डी में भी लास्ट में आ रहा है, तो इसका हमें जेंडर नहीं पता लगेगा, तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। अब हमें कौन से, केवल दो ही सॉल्व करके देखने पड़ेंगे, एक तो फर्स्ट और एक थर्ड। हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। फर्स्ट, परसेंटेज का क्या मीन्स था, परसेंटेज मीन्स था सन, तो सी इज, सी इज सन ऑफ बी, ठीक है। और डॉलर का मीन्स, सॉरी डॉलर मीन्स है फादर, यानी बी इज फादर ऑफ एफ, ठीक है। आगे है एफ डॉलर ई, मीन्स एफ इज फादर ऑफ ई, यानी इससे आपका आंसर निकल रहा है, इससे भी आपका आंसर नहीं निकल रहा है। इसमें आप बता सकते हो सी ग्रैंड डॉटर चाहिए, तो हमारा ये तो नहीं आ रहा, ठीक है। तो जो ए है वो भी हमारा राइट आंसर नहीं होगा। अब हमें चेक करना है सी वाला ऑप्शन, ठीक है। सी वाले ऑप्शन में देखते हैं हम क्या आ रहा है। सी वाला ऑप्शन में दिया है सी एट द रेट बी, एट द रेट का क्या मीन्स है, सिस्टर, यानी सी जो है वो सिस्टर है बी की, ठीक है। बी परसेंट एफ, परसेंट का क्या मीन्स था, सन है, बी जो है वो सन है एफ का, ठीक है। और एफ जो सन है वो है ई का, ठीक है। अब आप इसमें देखिए, एफ के दो, एक सन है और एक डॉटर है, और उसके भी जो पापा या मम्मी है वो ई है, तो जो ई है वो बी और सी के क्या लगेंगे, ये थर्ड जनरेशन आ गई, ये सेकंड जनरेशन और ये फर्स्ट जनरेशन। मींस यहाँ पर जो है हमारा जो रिलेशन था वो एस्टैब्लिश हो गया, सी जो है वो क्या है, ग्रैंड डॉटर आ गई किसकी, ई की, तो जो सी है वो हमारा क्या हो गया, राइट आंसर आ गया यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। आगे और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो सकेगा आपको। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द रिलेशन दैट एस इज द फादर ऑफ क्यू, ठीक है। एस जो है वो फादर है क्यू का, ये रिलेशन देखना है। अब आप देखिए बी ऑप्शन में एस सबसे लास्ट में आ रहा है, तो इसका रिलेशन हम एस्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे, हमारे को जेंडर पता ही नहीं होगा, तो हम बी को वैसे ही क्रॉस कर देंगे। फर्स्ट देखिए, अब आप एस एट द रेट पी, एट द रेट का मीन्स था सिस्टर, यानी एस जो है वो सिस्टर है पी की, और हमें तो क्या है, एस मेल चाहिए, यानी जो ए है वो भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में देखिए, एस एट द रेट पी आ रहा है यहाँ पर भी, यानी एस सिस्टर है पी की और हमें एस क्या चाहिए, मेल, यानी सी भी हमारा गलत आ गया। यानी जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा डी, नन ऑफ दीज इज अवर राइट आंसर। ये वाले जो क्वेश्चंस है वही आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं और पॉइंटिंग पर बेस्ड होते हैं। पॉइंटिंग वाले जो क्वेश्चंस थे वो मैंने मेरे पिछले वाले वीडियोस में आपको सॉल्व कराए थे, आज मैंने कोडेड के लिए हैं। ये अभी बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पिंग करिए और वहाँ पर मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम
नेक्स्ट में वो बोल रहा है ए इज सन ऑफ बी, ए जो है वो कौन है, सन है बी का, ए है सन बी का, ठीक है, बी एंड सी मतलब कॉमा लगा है, ठीक है, बी और सी का सन है, ठीक है, बीज सिस्टर हैज़ अ सन डी, बी की कोई सिस्टर है, यहाँ कोई सिस्टर है उसकी, उसका सन कौन है, डी, एंड अ डॉटर ई, ये तो सन हुआ और एक उसकी डॉटर कौन है, ई, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बोल रहे हैं एफ इज मैटरनल अंकल ऑफ डी, मीन्स इसका कोई हस्बैंड होगा, यहाँ पर मैं एक बार फिर से क्लियर डायग्राम बना देती हूँ, ए इज सन ऑफ बी, ठीक है, बी एंड सी, बी की कोई सिस्टर है, उसका कोई हस्बैंड भी होगा, ठीक है, इनके दो हैं, एक डी है वो सन है, एक ई है वो उनकी डॉटर है, ठीक है। आगे बोल रहा है एफ़ इज़ मैटरनल अंकल ऑफ डी, यानी डी का मैटरनल अंकल है, मतलब उसकी जो मम्मी है उनका कोई भाई है एफ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। हाउ मैनी नेफ्यूज डज एफ हैज़, एफ़ है, एफ़ के कितने नेफ्यूज़ हैं, मतलब नेफ्यू मीन्स मेल होता है और नीज मीन्स फीमेल होता है। अब नेफ्यू देखिए, एफ़ जो है वो इसका भी भाई है और इसका भी भाई है, इसका कौन है नेफ्यू, इसका एक लड़का ये है, इसका एक लड़का ये है, यानी जो एफ है उसके नेफ्यू कितना हुआ, एक और ये दो, मीन्स बी इज़ आवर राइट आंसर, यहाँ पे उसके दो नेफ्यूज़ होंगे। अगर वो पूछता उसकी नीज कितनी है तो उसकी नीज जो है वो एक ही है, ई इज़ ऑनली नीज ऑफ एफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसमें आपको बोल रहा है इफ़ एक्स प्लस वाई मीन्स एक्स इज़ फादर ऑफ वाई, यहाँ मैं अगेन ड्रॉ करती हूँ, प्लस का मीन्स है फर्स्ट जो है वो फादर है सेकेंड का, मल्टीप्लिकेशन का क्या मीन्स है, एक्स इज़ ब्रदर ऑफ वाई मीन्स ब्रदर है सेकेंड वाले का, और माइनस का मीन्स है एक्स इज़ मदर ऑफ वाई, माइनस का क्या मीन्स आ रहा है, एक्स इज़ मदर ऑफ वाई मीन्स सेकेंड वाले का, ये आपने कोड को एक तरह से डिकोड कर लिया अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। आगे वो बोल रहा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डेफिनेटली ट्रू अबाउट दिस, आपको ये ड्रॉ करना है। आप देखिए माइनस का क्या मीन्स है, मदर, सी इज़ मदर ऑफ ए, आगे ए प्लस बी यानी ए इज़ फादर ऑफ बी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा डेफिनेटली ट्रू होगा, फर्स्ट जो है वो बोल रहा है बी इज़ द सन ऑफ ए, बी इज़ द सन ऑफ ए, अब आप इस डायग्राम में देख के बताइए क्या आप बी का जेंडर पता है आपको, नहीं पता, क्योंकि हमें बी का जेंडर ही नहीं पता तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वो उसका सन है या डॉटर है, तो मीन्स जो फर्स्ट है वो तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हमें बी का जेंडर नहीं पता है, ठीक है। आगे बोल रहा है ए इज सन ऑफ सी, अब आप देखिए ए जो है हमें पता है वो मेल है और वो क्या है, सन है, किसका है, सी का, तो मीन्स बी जो है वो हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ गया, ठीक है, क्लियर है आपको। आगे भी आप देख सकते हैं, आगे दिया है बी इज़ फादर ऑफ ए, बी जो है फादर है ए का, ये तो गलत है क्योंकि यहाँ पर बोला है बी जो है वो सन या डॉटर है ए की, तो फादर तो हो ही नहीं सकता, मीन्स ये भी गलत हो गया। सी इज़ मदर ऑफ बी, सी मदर है बी की, यहाँ तो क्या है उसकी ग्रैंड मदर आ रही है, सी क्या है थर्ड जनरेशन में है तो यानी ग्रैंड मदर हुई, यानी डी भी गलत हो गया, मीन्स जो हमारा राइट आंसर है वो क्या है, बी, बी इज़ योर राइट आंसर, ए इज़ द सन ऑफ सी। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर हुए होंगे, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पिंग करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मैं और भी आगे आने वाले वीडियोस में ऐसे ही क्वेश्चंस लाऊंगी जो अभी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड हैं, ताकि आपको आपकी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो और आप एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय में इन क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सके, ताकि आपका जो टाइम हो वो आप पज़ल में कंज्यूम करो, ठीक है। आगे चलते हैं, ओके।
तो ये आज का मेरा सेशन था। अगर आपको मेरा ये सेशन पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए, और मेरे चैनल को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिल सके। और घर पर ही रहिए, सेफ़ रहिए और हेल्दी रहिए, और ऐसे ही रीजनिंग मेनिया पर अपना प्यार बरसाते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।